तो यार बहुत बहुत वेलकम दोबारा इस मिहिर गलत के नेक्स्ट एपिसोड। भाई आज वो वीडियो है जिसमें हम पूरी टीम जोंगा को साथ में लेके आए। सबसे पहले देव भाई अपनी इको के साथ, ठीक है तुम देख लो, हमने प्रॉपर वीडियो आई थी इको के ऊपर। अब बारी है अपने स्विफ्ट डिजायर जो कि सोनू भाई के। सोनू भाई सबसे पहले एग्जॉस्ट साउंड सुना दो, मतलब पब्लिक को इस वीडियो में वेट नहीं कराना, ठीक है। इसमें भाई ने वेल्वेटोनी एग्जॉस्ट लगा रखा है, लाइट लूटो का मान लो तुम सब देख रहे हो, जबरदस्त बस बहुत है। ये देखो यहाँ पे ये अर्टिगा है जो कि अपने भारत भाई चलाते हैं ना। भारत भाई फिर से वीडियो आपका स्वागत है। और तुम देखो ये अर्टिगा एंड वो अर्टिगा दोनों भाई सेम है, है ना। अभी जरा बात करते हैं ललित भाई अपने साथ। ललित भाई कैसे हो? बढ़िया भाई। तो ये कुछ अपनी टीम जोंगा है ना, जिसमें हमने भाई चार मेंबर्स हैं। ये बताओ क्या फेक भी आजकल लोग कर रहे हैं क्या? ऐसे लोग नाम लिखवा लेते हैं, जोंगा चल रही है, अच्छी लग रही है तो अपनी गाड़ी में भी लिखवा लिया। अच्छा, पता है लोगों को जुगाड़िया है टीम जोंगा यही। अच्छा तो अब मुझे जरा बताओ भाई, हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, ठीक है कि भाई मैं जरा ऊपर आता हूँ, रुको आप लोग नीचे रहो। हाँ हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था भाइयों कि यार ये जो अपनी टीम जोंगा है इसमें सबसे पहले इको थी। मुझे जरा सफर बताओ कि इको हमें बेचनी क्यों पड़ी और हमें इसमें अर्टिगा डिजायर क्यों इसमें ऐड करना पड़ा? यार देखो बेसिकली ना हमारा ये गाड़ियाँ क्या है, हमारा प्राइवेट गाड़ी है। हाँ हम इसी से गाड़ियों से ही काम भी हमारा इसी से है। अच्छा ट्रांसपोर्ट का काम है, कुछ स्कूल्स में लगी हुई है। तो पहले ना हमारा सारा इको का ही काम था। अच्छा ड्यू टू लॉकडाउन स्कूल्स बंद हो गए थे। हाँ इको हमने सेल आउट कर दी, ब्लैक वाली रखी है, बाकी सब निकाल दी। अच्छा फिर हमने ये अर्टिगा ली थी दोनों। अच्छा ये दोनों अर्टिगा ली आपने? हमारा टूर में भी चल रही थी बाहर, ठीक है स्कूल्स बंद थे तो हमारा ये ट्रैवल में भी बाहर पूरा ऑल ओवर इंडिया घूम के आएंगे। जैसे कहाँ कहाँ चलती है और क्या लोग आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस चीज के लिए? टैक्सी है यार, आप बुक कर लो, बताओ आपको लेके चलता हूँ मनाली शिमला, बताओ घुमा के लाता हूं। मतलब बंदे टीम जो होगी कार में सफर भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत फैन फॉलोइंग है इस कार की, लेके जाते हैं लोग। तो आपका नंबर डालना डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम डाल दूं? चलो भाई ये हमारी तरफ से फुल प्यार है, भाई का नंबर इंस्टाग्राम सब डिस्क्रिप्शन में होगा, तुम्हें गाड़ी बुक करनी है बुक कर सकते हो। भाई जोंगा की बैजिंग आपने यहाँ करा रखी है जस्ट लाइक ग्राफिक में, एंड ललित भाई जो चलाते हैं वो उधर है ना ललित भाई, ठीक बात है। अब मुझे बता दो भाई, हम अगर इस अर्टिगा की बात करें, हम डिजायर पे आते हैं जरा, तो उसमें क्या काम हुआ यार ये जरा जिक्र करो आप। अभी मतलब ज्यादा नहीं है, बेसिक है, जैसे बम्पर आ गया, कस्टमाइज है। हाँ तो कहाँ से करवाया आपने? शौकीन भाई फरीदाबाद। शौकीन भाई से करवाया, कितने का हुआ? यार ये दोनों गाड़ी में हमने कराया था, अराउंड दोनों गाड़ी में मेरे ख्याल से 25-30 हज़ार रुपये खर्च हुए। तो आपको तो मुझे लगता है भाईचारे में बढ़िया रेट में कर दिया। हाँ वैसे महंगा करते हैं, वैसे एक गाड़ी का होता है इतना। हाँ, एक गाड़ी दोनों गाड़ी का अराउंड हमारा 30-1 हज़ार रुपये खर्चा आया था। अच्छा फिर बाहर से फिर आफ्टर मार्केट हमने पेंट वगैरह कराया था। तो इसमें फ्रंट बम्पर ही चेंज हुआ दोनों में? हाँ दोनों में फ्रंट हुआ है, बैक वाला करवाना है अभी। अच्छा तो बैक वाले पे हम पे थोड़ा टाइम कम रहता है, इस वजह से बैक वाला अभी नहीं करा। वो तो हमें पता ही है कि वीडियो इतने टाइम बाद बन रही है, कब से हम बात कर रहे थे है ना। अगर मैं बात करूँ भाई ये बताओ कमिलियन आपने हुड लगा रखा है, क्या आपको इस गाड़ी में कमिलियन हुड अच्छा लग रहा है? अगर मैं बात करूँ कमिलियन भाई पहले ना ये किसी गाड़ी पे ज्यादा गाड़ियों पे नहीं था, जब ये नया नया ट्रेंड शुरू हुआ था तब कराया था हमने। अच्छा अब ये लेकिन हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा है इसको, हम कुछ दिन में उतार लेंगे, चेंज करने वाले हैं, कुछ और करना चाह रहे हैं इसमें। पर भाई एक चीज है, कमर्शियल गाड़ी में ना हम मॉडिफिकेशन बहुत कम देखते हैं, ठीक है। और मुझे एक ही सवाल है भाई, प्राइवेट गाड़ी तो चलो लोगों को लगता है कि हाँ मॉडिफिकेशन रुकती है, पर प्राइवेट से ज्यादा कमर्शियल रुकती है अगर आपने मॉडिफाई कर रखी हो, क्या गाड़ी इम्पाउंड हो जाएगी अगर किसी ने ठीक से रोक के इसको रिव्यू कर लिया ना जैसे आप। तो भाई कैसे मतलब कैसे बची अभी तक? कहते हैं ना एक आदमी में शौक भी होता है। हाँ तो अब शौक है, गाड़ी हम पे कमर्शियल है तो अपने शौक को तो मारेंगे नहीं। हाँ ठीक है, जो करना तो करना ही है, पकड़ी जाएगी सबकी, जब देखी जाएगी छुड़ा लेंगे। दिल्ली में ना मॉडिफिकेशन कल्चर को बनाए रखना बहुत मुश्किल चीज है, और सबसे ज्यादा अभी दिल्ली में भी काफी इंथुजियास्ट है जो कर रहे हैं, है ना। तो उनको सबको फुल सपोर्ट है, काबिल तारीफ वाली बात है कि भाई दिल्ली में इम्पॉसिबल वाली चीज़ है, ठीक है। अगर बात करें तो कमिलियन हुड भाई ने यहाँ पे हमर भाई लाइट लगा रखी है स्प्लिटर्स के साथ, कस्टम अपना पूरा बम्पर है, एंड भाई ने दोनों अर्टिगा में यार ये जो एलॉयज है आपने पेंट कराए हैं। पहले ये नॉर्मल सिल्वर थे हमारे। हाँ उसके बाद मजा नहीं आ रहा था तो हमने इसको वाइट टेस्ट दिया, थोड़ा वाइट ब्लैक में टेस्ट किया। यार तो ये चीज ना बढ़िया सूट कर रही है इस पे, ये बात तो माननी पड़ेगी। हाँ, ये वाइट ब्लैक ना मार्केट में मिलता नहीं है। हाँ इसीलिए हमने पहले कुछ टाइम सिल्वर चलाया उसके, और ये अभी रिसेंट की बात है मुझे लग रहा है क्योंकि अभी तो रील सारी सिल्वर पे ही आ रही है, है ना। आनी स्टार्ट हुई है वाइट में की, रील आनी स्टार्ट हुई है, एक दो महीने हुए अभी तक। पर भाई ये बताओ लाइट्स कब बहुत मामला भर रखा है इसमें, तो अपने को इंटरेस्ट है कि गाड़ी थोड़ी चमक भी होनी चाहिए गाड़ी में? वो नहीं है हमारा, थोड़ा नाइट में भी काम होता है। अच्छा वगैरह में भी
तो रात को ना गाड़ी तुम्हें पता है लाइट से हाईलाइट हाईलाइट होती है, इसलिए हमने लाइटिंग का थोड़ा ये खुद ही। अब वो शौक शौक ही क्या, जब तक वो शौक आगे उछल के दिखे था कि हाँ बेटा ये देख शौकिया गाड़ी जा रही है। चलो बहुत बढ़िया भाई। एलॉयस कितने इंची और कहाँ से? 17 मरकरी से ही। मरकरी टायर एक्सक्लूसिव। और कितने के पड़े भाई अर्टिगा की अगर बात करें? इसमें पड़े थे यार अराउंड 60,000 रुपए के पड़े थे। 60,000 भाई, मतलब ये शौक भी ना कायम रखना ऊपर से कमर्शियल गाड़ी में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है जो आप कर रहे हो। देख लो विद स्कर्टिंग एंड कार्बन फाइबर वाला रैप बोल लो यार। हाँ, ये है ना कार्बन फाइबर ही डिप होके आई थी। डिप होके आई थी है ना। और पीछे देख लो जोंगा की प्रॉपर बैजिंग एंड यहाँ पे भाई ने अपने आप से कस्टमाइज ये DLC लगा रखी है ना खुद से। एंड वही इसकी बेसिक जो स्टॉक होती है टेल लाइट स्टॉक है सब इसमें कुछ ज्यादा। अच्छा, और सेम काम तुम्हें फिर इस गाड़ी में दिखेगा उसमें पर ब्लू लाइट्स है आगे जो ये छोटी वाली है। हाँ। इसमें वाइट में है, उसमें पर्पल है, टायर्स में इसमें रेड है, इसमें रेड है। ये अपने घर की खेती है, फिर चेंज कर लो। अच्छा, तो पीछे से भी सेम है ये पूरी? हाँ, पीछे से भी सेम। पर भाई एक डिफरेंस, अच्छा दोनों आपने स्मोक कर रखी टेल लाइट्स को है ना? अच्छा, दोनों स्मोक है। एंड तुम देख लो जोंगा टीम जोंगा विद मफलर है इसमें, और उसमें मफलर नहीं है, उसमें एग्जॉस्ट लगवाना है, दोनों में ना वेल्वेटॉनिक लगवाना है अभी। हाँ हाँ, तो इसमें हो सकता है। क्या प्लान क्या है अपना टीम जोंगा को, अपन क्या कर देंगे? अब यार धीरे धीरे ट्रेंड चल रहा है तो मॉडिफिकेशन बढ़ रही है तो धीरे धीरे बढ़ाते ही बढ़ावा देंगे यार। क्या बात है यार, आओ भाई अब जरा स्विफ्ट डिजायर देखते हैं। आओ अब जरा डिजायर के ऊपर चेक करते हैं सीन। टायर स्टिकर आपने इनमें नहीं लगा रखा? टायर स्टिकर इसमें है हा? और अपनी इको में है, और दोनों में लिखवा रखा है ब्लैक लिस्टेड। क्या बात है सोनू भाई, सोनू भाई अपने साथ। सोनू भाई अब मुझे जरा बता दो, ये भी अपन ने सेम टीम जो होगी एक जो अभी खासियत है कि कमेलियन होल्ड होना चाहिए है ना, आपने करा रखा है विद अपने स्प्लिटर स्कर्टिंग टीम जो होगी खासियत विद वाइट वाले अपने एलॉयज। कितने इंची एलॉय है? 17 इंची ये भी, और इसको भी आपने सेम वैसे, लेकिन ये वॉशन की है? ये वॉशन, ये वॉशन की है। अच्छा ओके, और साथ में रेमर्स के भाई ने एग्जॉस्ट लगा रखे हैं। सल्यूट भाई, सल्यूट। एंड हमने ईगो का सब कुछ दिखाई दिया, ठीक है। तो भाई अब जरा मुझे बता दो एट लास्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो का हम आखिरी चरण में है, इससे ज्यादा हम क्या बात करें, आप कुछ बताओ टीम जो है के पहल तो कुछ मुझे बता दो फ्यूचर में क्या प्लान्स है, क्योंकि अपने को इस टीम को बहुत आगे तक ले आना है। भाई देखो इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती, आपको हाँ। पता है मॉडिफिकेशन में कोई प्लानिंग नहीं होती, धीरे धीरे शौक होता है बढ़ता चले जाता है, बढ़ते चस्का है एक तरीके का चस्का। हाँ, जैसे जैसे बढ़ेगा और बढ़ाते रहेंगे भाई। अच्छा चलो यार, इसी नोट पर जरा वीडियो पे एंड करते हैं। एंड अगर मैं सोनू भाई, आपने वैसे वीडियो में कुछ बोला नहीं यार, ऐसा क्यों? हाँ, कुछ कुछ बोल दो ना, बड़े भाई बोल रहे हैं। अरे हमारी जरूरत नहीं। अच्छा एक बार ऐसे बोल दो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ये तो बोल दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब। क्या क्या क्या, इनकी मम्मी ने मना करके भेजा है कि वीडियो में कुछ बोलना नहीं, कुछ बताना नहीं। तो सोनू भाई हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब है ना, ईगो ग्राम तुमने प्रॉपर देख लिया सब कुछ। तो यही कुछ अपनी टीम जोंगा है। एंड तुम्हें यार इंस्टाग्राम पे सपोर्ट दिखाना है टीम जोंगा को, मैं सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा सब गाड़ियों के ऊपर कैसे कैसे क्या है भाई। लेकिन एंड में ना हमने एक चीज़ नहीं करी, हमें एक बार ना इंटीरियर भी दिखा दो अर्टिगा का, क्योंकि इंटीरियर से भी आपने काफ़ी अच्छा सीन कर रखा है। लास्ट में आके तुम ये भी देख ही लो, ठीक है, क्योंकि दोनों गाड़ी में सेम इंटीरियर है, चॉकलेट कलर बोल सकते हो तुम, टैन में देख रहे हो। गियर नॉब भी देखो बहुत सही, पीछे भी सेम है, पीछे भी सेम है। जाओ जरा पीछे वाला भी दिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को, साथ साथ ये भी देख लो, वरना ऐसा समझ आया कि हमने वीडियो खत्म कर दिया और कुछ दिखाया नहीं। मेन चीज इधर भी सेम है, सेम है, बस इसमें गियर नॉब चेंज नहीं हुआ। हाँ, ये अभी सबसे लेटेस्ट वाली होगी है, मतलब ये अर्टिगा से ये अभी नई वाली है ना, ये पहले आ रखी होगी या तो कुछ ओल्ड मॉडल है, 2018 मॉडल है, दोनों 18 है और दोनों इकट्ठे ही थी। हां दोनों एक साथ। अच्छा जुड़वा, हाँ यार ये तो है, ये अर्टिगा दोनों जुड़वा ही लगती है। एंड चलो वीडियो एंड करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब, फैलाओ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ये कुछ अपनी टीम जोंगा है, जुड़वा भाई ये दोनों। हाँ आप बता रहे थे कुछ बताना जरा, कि जब गाड़ी पकड़ में आती है, पकड़ में क्या आती है यार, वो ऊपर ना वो छोड़ो वो वीडियो में नहीं है। मतलब ये है कि बंदे सोचते हैं अभी तो ये गाड़ी गई थी, दोबारा कहाँ से आ गई, एक ठोक के चले जाता है, दूसरा पकड़ा जाता है कि भाई। चलो यार इसी नोट पर जरा वीडियो एंड करते हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड सबसे मेन कमेंट बताना तुम लोगों को कैसी लग रही गाड़ियाँ।
कमर्शियल गाड़ी है ठीक है, और टीम जोंगा को सपोर्ट करना ज्यादा से ज्यादा। बाकी चलो तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट एफी कार रिव्यू एपिसोड में। एंड सबसे मेन जितने लोगों का मॉडिफाइड कार है मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मास्टर आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, जाके अपनी गाड़ी की फोटो भेजो, फिर नेक्स्ट वीडियो तुम्हारी गाड़ी के साथ बनाएंगे ठीक है। चलो एंड करते वीडियो को, तो यार मैं मिहिर गुलताब से अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय, साइनिंग आउट।